ठीक है, तो मैं चाहता हूं तुम लोग अब ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन बताया मैंने अभी कुछ? क्वेश्चन नंबर 6, अ मार्क ऑन सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर इज व्यूड फ्रॉम अ डायमेट्रिकली अपोजिट पोजिशन। इट अपीयर्स टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। सबने क्वेश्चन रीड कर लिया? और ये बात समझ में आती है कि ऑप्टिक्स में तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आइडिया देता हूं, क्या सबको पॉइंट ओ दिख रहा है? ओ, हम लोग इस ओ को कहां से देख रहे हैं, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट या राइट? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मतलब है अपोजिट साइड से देख रहे हैं, ठीक है ना? राइट साइड से देख रहे हैं। तो जो ये रेज हमारी जा रही है ग्लास के अंदर, जब वो एयर में आएगी तो नॉर्मल पाथ होगा या डिविएट होगा? होगा सीधा जाएगा या टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा? अवे समथिंग। सही बात है, ये लॉजिकल लग रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो क्या लाइट ऐसे यहां कहीं से आती हुई लगेगी? जहां से लाइट आते हुए लग रही वो हमारी कौन है इमेज? एज पर क्वेश्चन क्या इमेज 10 सेंटीमीटर दूर है? ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एयर का हमें पता है 1 होता है। तो हमें इस क्वेश्चन को P1 से सॉल्व करना पड़ेगा या P2 से करना पड़ेगा? P2 से। हाँ P2 से, बिल्कुल सही, क्योंकि जो रिफ्रेक्शन हो रहा है वो राइट साइड से हो रहा है ना। फॉर्मूला है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ठीक बात बोली, μ2 है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जहां पे लाइट जाती है, तो यहां पे लाइट कहाँ जा रही है? एयर में। μ1 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, सॉरी मैंने μ2 गलत लिख दिया ना, यस सर। μ2 है जहां लाइट जा रही है वो तो 1 है, और μ1 जहां से आ रही है, क्या ये 1.5 से आ रही है?
ठीक बात है। अब बताओ वी मुझे कितना पुट करना चाहिए और यू कितना पुट करना चाहिए? क्या यू हमारा टू आर है? पी टू से देख रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है? टू आर, प्लस टू आर या माइनस टू आर? माइनस टू आर। बढ़िया, और इमेज कहाँ बन रही है? सर प्लस टेन, टू आर प्लस टेन, परफेक्ट है। पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। और जब आर को लिखेंगे तो आर का साइन भी नेगेटिव आएगा क्या? माइनस 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 काट दो, ये बन गया वन अपॉन टू आर प्लस टेन इज इक्वल टू, राइट साइड में मैं एलसीएम ले रहा हूं टू आर, तो मुझे लगता बन जाएगा ये माइनस वन प्लस वन पॉइंट फाइव। ठीक लिखा है मैंने, इसको राइट में ले आऊं। तो क्या ये वन बाई फोर आर बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू, अगर मेरी कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो खुद से करके देखो। मेरा आर फाइव आ रहा है, तुम लोग देखो तुम्हें को आर कितना आ रहा है? फाइव ही आ रहा है हमारा भी। बढ़िया, मेन बात है तुम्हें कैलकुलेशन पे फोकस करना चाहिए या कॉन्सेप्ट पे जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि यू कौन है, वी कौन है, म्यू टू कौन है, म्यू वन कौन है, प्लस आर होगा या माइनस आर होगा, इस पे फोकस करो, कैलकुलेशन में ध्यान मत दो, वो घर पे बैठे कर रहा। ठीक बात है। आई होप सबको लॉजिकल लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ट्राई करें इसी लॉजिक पर। इस डायग्राम में जो हमारा U है वो कितना है? कोई बता सकता है U कितना है? सर थ्री, प्लस थ्री माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री। बढ़िया, रेडियस कितनी है? सर फाइव, फाइव प्लस फाइव माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस फाइव। बढ़िया, म्यू टू कितना है? फिर वन, सर म्यू टू वन पॉइंट फाइव, वन। म्यू टू कितना है? वन पॉइंट वन, जान लें। जहां पे लाइट जाती है वो म्यू टू होता है सर, वन। वन, अपने मन से रूल मत बनाओ नहीं फंस जाओ। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, म्यू टू जहां लाइट जाती है, तो यहाँ लाइट वन पे जा रही है क्या? Yes, म्यू वन कितना है? 1.5, 1.5, जहां से लाइट आती है। मैंने कुछ रेयर डेंसर वर्ड यूज नहीं करा, ध्यान दिया? ठीक, मैं कुछ रेयर डेंसर कभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जहां लाइट जाती है वो म्यू टू है,
जहां से लाइट आती है वो म्यू वन, चाहे रेयर हो चाहे डेंसर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मतलब कॉम्पिटिटिव में ये एडवांटेज है, कितना सिंपल तरीके से कर लेते हैं, सीबीएसई में थोड़ा अलग तरीका चलता है। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला है, फॉर्मूला हमारे पास है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, एंड म्यू टू इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग, एंड म्यू वन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग। कौन रेयर है कौन डेंसर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लगाओ और सॉल्व करके बताओ कितना आता है। अभी माइनस 2.5 आ रहा है सबका? माइनस 2 कितना आ रहा है बताओ ना? ठीक है, और किसी का? जल्दी सॉल्व करो, क्वेश्चन समझ में आ गया फिर तो एक मिनट की बात है। बढ़िया, सबको लॉजिकल लगा? तुम लोग कंफ्यूजन हो रही है या कौन सी समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? बताओ एक बार, 12th ट्राई करें। क्या इंसिडेंस एंगल अल्फा एंड रिफ्रैक्शन एंगल बीटा है? यस सर। हमसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने की बात कर रहा है? डेविएशन। गामा। हाँ, गामा नहीं पूछा, गामा तो इमर्जेंट एंगल है, हमसे डेविएशन कह रहा है। मैं आइडिया देता हूँ, देखो पहले ये बात समझ में आती है कि ऑप्टिक्स में डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, लाइट आ रही है ऐसे देखो। जो भी लाइन सेंटर से आती है क्या उसको नॉर्मल कहते हैं? तो ये लाइट कितने एंगल पे फॉल हुई है? अल्फा। अगर ये मीडियम नहीं होता तो क्या ये लाइट स्ट्रेट जाती? मीडियम आने की वजह से क्या ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल?
बताओ भाई सब लोग। हाँ जी सर, ये बात समझ में आती। अब मैंने एक और नॉर्मल ड्रॉ करा है, तो अब ये लाइट सीधी जाएगी या फिर से बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। बढ़िया, इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। अजीब है, सही है? सही है। तो मैं चाहता हूँ ओरिजिनल लाइट को देखो और फाइनल लाइट को देखो, इन दोनों का एंगल देखा, ओरिजिनल लाइट को और फाइनल इमर्जेंट लाइट को, इनके बीच का डिविएशन निकालना है। तो पहले डेल्टा बचा ना, मैं किसको डेल्टा कह रहा हूँ? सर क्या स्फीयर में रेडियस दिख रही तुम लोगों को? यस सर। अगर रेडियस इक्वल है तो ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल है, तो क्या उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे? यस सर। तो अगर लेफ्ट वाला बीटा है तो राइट वाला भी तो बीटा है, ठीक बात है? जब एयर में एंगल अल्फा था तो ग्लास के अंदर क्या था? बीटा। बीटा, अगर ग्लास के अंदर बीटा है तो एयर में कितना होगा? अल्फा। अल्फा, कोई दिक्कत? नो सर। तो जब पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या डिविएशन अल्फा माइनस बीटा है? सही बात है जी सर। ध्यान से देखो, जब सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ तब डिविएशन कितना हुआ? थीटा माइनस अल्फा। मुझे लगता है डेल्टा टू ये है क्या डायग्राम में? तो क्या अगेन अल्फा माइनस बीटा हुआ है? yes, तो ध्यान से देखो, तो टोटल डिविएशन कितना हो गया? 2 अल्फा माइनस बीटा। ऐसा ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन राइट। लॉजिकल लगा? यस। ठीक है सर, एक बार सेकेंड डेविएशन एंगल कैसे निकाला वो समझा दीजिए। अच्छा तो देखते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखना ध्यान से। एक एग्जांपल समझाता हूँ, नोटिस करना। सपोज एक लाइट को आपने फॉल कराया 60 डिग्री पर, ठीक, एयर में। जब ग्लास के अंदर जाएगी तो क्या वो बेंड होगी? सपोज रिफ्रैक्शन एंगल है 15 डिग्री, तो डेल्टा कितना आना चाहिए? सर 15। बढ़िया, कोई दिक्कत? नहीं सर। सबको लॉजिकल लगा? तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, लाइट को कहाँ डाला था? एयर से ग्लास, ठीक है। अब क्या वो लाइट बाहर आएगी? क्या वो लाइट अदर सरफेस पर फॉल हो रही है? कितने एंगल पे फॉल हो रही है? जब एयर में एंगल 60 था तो ग्लास के अंदर एंगल 45 था, राइट?
पॉइंट वन के लिए। अब पॉइंट टू के बारे में सोचो, अगर ग्लास के अंदर एंगल 45 है तो एयर में एंगल 45 से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा, सही बात है। तो क्या 60 होगा? हाँ जी सर। लाइट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, अगर 60 पे एयर में एंगल है तो ग्लास में 45, और अगर ग्लास में 45 तो एयर में 60। तो थोड़ा केयरफुली सोचो और ये बताओ इस बार लाइट कितना डिविएट हुई अपने एक्चुअल पाथ से। इस बार भी 15 डिग्री हुई। बढ़िया, देखो ध्यान से, सही कह रहा हूं? जानी चाहिए थी 45 पे गई 60 पे। तो जो हमारा इस डायग्राम में डेल्टा वन है क्या वो 15 डिग्री क्लॉकवाइज है? जो डेल्टा टू है क्या वो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ जी सर। तो अगर टोटल डेल्टा निकाल रहा हूं तो क्या ये डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू हो जाएगा, विच इज जीरो। इसके अलावा ग्लास स्लैब कोई डिविएशन लाता है या नहीं लाता? नहीं लाता। बढ़िया, लॉजिकल लगा? हाँ जी सर। अब हम स्फीयर की बात करते हैं, अगर ग्लास स्लैब वाला पॉइंट क्लियर हो तब। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं स्फीयर की। चलो भाई, एक लाइट आ रही है स्फेयर पे, क्या सबको नॉर्मल दिख रहा है? फिर से मैंने अज्यूम कर लिया कि इंसिडेंस एंगल कितना है 60, तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा? पहले बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा या अवे होगा? सर टुवर्ड्स नॉर्मल। तो क्या ये एंगल 45 कह सकता हूं मैं? यस सर। ठीक है, थोड़ा और बेंड करा देता हूं। तो कितना डिविएशन आया? 15 डिग्री। बढ़िया, और ये 15 डिग्री क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? सो क्लॉकवाइज। ठीक है सबको, अब मैं चाहता हूं सरफेस टू पे फोकस करो तुम लोग। पहले ये दोनों एंगल 45 समझ में आ रहे हैं क्यों है? यस सर, दोनों की रेडियस सेम है। रेडियस की वजह से, अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस बार लाइट ग्लास से एयर में आ रही है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे? अवे सर। अवे, सही बात है। तो इस बार भी क्लॉकवाइज डेविएशन होगी। तो अगर 45 इंसिडेंस है तो क्या एमर्जेंट एंगल 60 होना चाहिए? यस। तो जानी चाहिए थी 45 पे जा रही है 60 पर, तो कितना डिविएट हो गई है? 15 डिग्री क्लॉकवाइज। 10 डिग्री, तो टोटल डेल्टा कैंसल आउट होंगे या ऐड अप हो जाएंगे इस बार? सर ऐड अप। इससे टोटल डेल्टा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बढ़िया,
तो ये डिफरेंस समझ में है स्फीयर में और ग्लास स्लैब में? यस यस. बढ़िया. आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया मैंने क्या बताया. यस सर. ठीक है, आप थोड़े से क्वेश्चन लेंस मेकर पे ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं. देखो 16 कि आज हमने ऐसा कॉन्सेप्ट देखा कि किसी लेंस को हम लिक्विड में डाल देते हैं नॉर्मली लाइक वाटर में तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी. ज्यादा हो जाएगी. बिल्कुल सही. अगर लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो क्या बिहेवियर एबनॉर्मल कर देगा, अपोजिट कर देगा? यस सर. तो पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो, उसको डिस्कस करेंगे. क्या लेंस की फोकल लेंथ f है? यस सर. अब हमने लेंस को क्या कर रहा है, एक बार 4/3 वाले में डाल दिया है और एक बार 5/3 वाले में डाल दिया है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. बढ़िया. तो कुछ ऑप्शन हट गए इससे? फर्स्ट ऑप्शन गया. फर्स्ट ऑप्शन तो कह रहा है F1 F2 इक्वल होंगे और लेस देन होंगे. सही कह रहा है गलत कह रहा है? गलत कह रहा है. पहला तो गया. और कोई ऑप्शन गया इससे? सर सी भी गया. F2 इज ग्रेटर देन F एंड F1 बिकम्स नेगेटिव. ठीक है, कैसे पहचाना सीख गया? सर इसमें बोल रहा है F2 ज्यादा हुआ. हाँ तो सही तो बोल रहा है, क्या गलत है? F1 नेगेटिव हुआ ये गलत है. हाँ F1 नेगेटिव ये गलत है, ध्यान दो. जो 4/3 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से ज्यादा है या कम है? कम. लेंस से कम है. तो नॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल? नॉर्मल. तो नॉर्मली कॉन्वेक्स कैसा होता है? पॉजिटिव फोकल लेंथ. हाँ सर पॉजिटिव. तो सी सही है गलत है? सर गलत. गलत है. उसका रीजन है F1 becomes negative नहीं होना चाहिए था. अगर सी गलत है तो डी भी गलत है ना? यस सर डी भी गलत है. तो डी कह रहा है दोनों नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव कौन होगा? F2. इसमें नेगेटिव होगा F1. मुझे तो F2 लग रहा है सर. 5/3 कितना होता है? 1.67. और 4/3 होता है 1.33. तो लेंस का नेचर कहां बदलेगा? जब मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू लेंस. ठीक बात बोल रहा हूं? Yes, तो मेरे हिसाब से 4/3 के अंदर लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी बट पॉजिटिव रहेगी. 5/3 के अंदर फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी एंड नेगेटिव हो जाएगी. क्या मैंने आज ऐसे 3-4 क्वेश्चन करके दिखाए? यस है ना. तो ध्यान दो भाई, अपने मन से कोई लॉजिक मत लगाओ फिर पास जाओगे. मैंने कई सारे क्वेश्चन इस पे करके दिखाए हैं आज, लास्ट क्लास में दिखा था हम लोग. ठीक बात कह रहा हूं जी सर. 18 कर सकते हैं?
18th. यस सर, ये तो आपने करवाया. जल्दी से करो, जल्दी से करो. 18 आसान क्वेश्चन है. आता बहुत है. 18th क्वेश्चन इजी है मेरे हिसाब से. क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था कि अगर किसी लेंस को, सॉरी, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर में डाल दूं तो फोकल लेंथ 4 times हो जाती है? यस सर, बोला था. चेक करके देखो, 4 times आ रही नहीं आ रही. यहाँ पर 1.5 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले को अगर 4/3 में डाल दोगे तो फोकल लेंथ 4 times हो जाती है. सॉल्व करके देखो. 45 आ रही है. तो इसका आंसर 60 आएगा या 45 आएगा? तो 60 आना चाहिए. बट मैं तो 45 को आंसर मार्क कर रहा हूँ. चेंज बाय पूछा है ना? हाँ, तो क्वेश्चन में ध्यान से ये पढ़ना है. फाइनल फोकल लेंथ पूछी है या चेंज पूछा है? Initially 15 थी, finally 60 है, change 45 से हो गया. ठीक है, तो इसका आंसर 45 होना चाहिए. ये कर पाओगे या मैं करके दिखाऊं? सब हो जाएगा, कर लेंगे. ऐसा क्वेश्चन कराया था ना, कई क्वेश्चन कराया मैंने ऐसे. ठीक है, 144 ट्राई करो. सर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14. मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या कम है? सर कम है. बताओ भाई. 1.75 ज्यादा है. ज्यादा हो गया. मुझे तो ज्यादा लग रहा है भाई. तो नॉर्मल बिहेवियर होगा या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल. एबनॉर्मल. तो कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा या कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग बन जाएगा. तो आंसर ए और बी में से कोई एक होना चाहिए. सही बात है. ए ही होगा ना सर, वो फोकल लेंथ बढ़ जाती है. तो फोकल लेंथ हमें पता कहाँ है पहले? बी भी तो हो सकता है. जी सर. सॉल्व करो. बढ़ जाती बड़ा हमें पता थोड़ी नहीं कितनी थी इनिशियली. और एफ इक्वल टू आर बाई टू मत लगा देना. सॉल्व करके मालूम पड़ेगा आंसर ए और बी में से कोई एक है. करके देखो ए आता है या बी आता है. सॉल्व करना पड़ेगा मतलब इसको.
जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वन बाय एफ इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन। म्यू टू कितना डाल रहे हो तुम लोग? वन पॉइंट फाइव। म्यू टू किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है? लेंस का। लेंस का। म्यू वन सराउंडिंग मीडियम का। आर वन टेन आर टू टेन। साइन बताओ, क्या साइन डालूं? इतना टाइम नहीं लगा सर, टेन आ गया ये वाला। थर्टी फाइव आ गया। यस सर, मतलब वो पहला वाला जो निकाला था वो टेन आया था, ये थर्टी फाइव आ गया। पहला वाला क्यों निकालेंगे हम? सर आपने तो कहा था कि मतलब पहले देखना पड़ेगा। नहीं मैंने कहा, नहीं मैंने बोला था कि हमें तो पहले वाली फोकल लेंथ ज्यादा ही पता ही नहीं है, ज्यादा कम कैसे बोलेंगे फिर हम। अच्छा देखो, ठीक है देखो ऑप्शन देखो भाई, मैंने बोला था ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों आंसर हो सकते थे ना। यस सर, जैसे बोला किसी ने कि भाई ए होगा सर, तो मैंने कहा बी क्यों नहीं, बी भी तो हो सकता था, वो तो सॉल्व करके मालूम पड़ेगा। सी और डी पक्का गलत सर। हाँ सर, वो पहला वाला वो इसलिए चेक किया था ना, वो फोकल लेंथ उसकी भी। हाँ तो हम एयर में निकालेंगे नहीं, हम एयर में फोकल लेंथ नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन में। नोटिस करूं जी सर, हमें सीधा वो लिक्विड के अंदर निकाल देना चाहिए। 15th क्वेश्चन देखो, ये लॉजिकल है, सॉल्व करने वाला नहीं, कॉन्सेप्ट वाला है।